ऑल द लॉ एस्पिरेंट्स वो ऑन मेक दे करियर इन द फील्ड ऑफ लॉ गाइज आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए एंड सेम क्वेश्चन को मैं यहां लेकर आया हूं कुछ एफेक्यूज है जस्ट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात करने वाले थ्रू आउट दिस वीडियो गाइज माई नमी सूर्या सर काइंडली वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल दी एंड एंड डू नॉट फरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल क्योंकि यहां आपको लॉ रिलेटेड वीडियोज मिलते रहेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज द फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन

थ्री इफिशियंट है मेरे लिए या फिर मुझे फाइव प्रिपरेशन करना चाहिए बहुत सारे वन चेंज ऑफ कॉलेज आफ्टर फर्स्ट ईयर ईयर थर्ड ईयर ईयर एंड फोर्थ क्योंकि CET में मार्क्स मेरे कम थे डिजायर्ड कॉलेज मुझे नहीं मिल पाई नाउ वन टॉप कॉलेज और टॉप कॉलेज में क्या सीट अभी भी वैकेंट है सो आफ्टर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर मैं एडमिशन ले सकता हूं या नहीं नेक्स्ट वन क्या ये रेगुलर कोर्स है और इट इज अ डिस्टेंस कोर्स अब ये डाउट्स है काफी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को लेकर गाइज ये सारे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछे गए क्वेश्चन है और उनमें से मैं कुछ मैंने यहां पिक किया है और उनके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं राइट नेक्स्ट वन इंटर्नशिप इज नेसेसरी इंटर्नशिप क्यों यार मैं सी ए के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं क्या इंटर्नशिप जरूरी है कॉलेज की राइट right? एंड नेक्स्ट वन शुड आई टारगेट ओनली टॉप कॉलेजेस भाई टॉप कॉलेजेस ही क्यों टारगेट करना है कोई सादा कॉलेज लॉ की डिग्री नहीं देता है क्या या फिर मुझे उतना प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला है या फिर उसकी वैल्यू नहीं है अगर वो कॉलेज काफी सिंपल है एंड दन हाउ मच टाइम फॉर द प्रिपरेशन मोस्ट आस्ट क्वेश्चन सो आई स्टेट विथ मई थ्रू आउट दिस वीडियो एंड बिफोर मूविंग फर्दर वी हैव लॉन्च लॉ स्पिफिक यूट्यूब चैनल लॉ एंट्रेंस जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है काइंडली सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ लीगल रिलेटेड वीडियोज मिलने वाले नेक्स्ट वन बैचेस वी लॉन्साइज अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो फॉर ऑल दी लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लास रूम से

One Google form link I have given in the description, fill this particular form and you will get a free counselling session from our experts. So let's talk about first one: the age criteria. So as per CET cell, up three years preparation, five years, there is no upper age limit at present for admission to LLB five years and also for the three years. कोर्स इन व्यू ऑफ द केसेस पेंडिंग इन हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काफी सारे केसेस पेंडिंग है गाइज और बहुत टाइम से ये चला आ रहा है कि लीगल फील्ड को लेकर कुछ तो एज क्राइटेरिया होना चाहिए सपोज जैसे अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए लाइक बी बी ए फाइव ईयर्स देन ट्वेंटी और ट्वेंटी टू मैक्स होता है होटल मैनेजमेंट की बात करें देन ट्वेंटी फाइव होता है क्या लीगल फील्ड को लेकर भी फाइव इयर्स के लिए ट्वेंटी एज हो सकती है या फिर ट्वेंटी टू हो सकती है या फिर ट्वेंटी फाइव इसके ऊपर अभी भी केसेस चल रहे हैं सेम विद रिस्पेक्ट टू दी थ्री इयर्स प्रोग्राम और थ्री ईयर्स ये तो ग्रेजुएशन के बाद होता है थ्री प्रोग्राम बट इट जो थ्री इय प्रोग्राम है इट सेल्फ इट इज अंडर ग्रेजुएशन डिग्री दैट्स वाई यहाँ भी कुछ एज क्राइटेरिया आ सकता है या नहीं सो डोंट वरी गाइज इफ यू पास योर ट्वेल्थ आर एलिजिबल टू पर लीगल प्रोग्राम्स ग्रेजुएशन दैन ऑल्सो एंड गाइज आपकी एज हो चुकी है देन ऑल्सो यू कैन ट्राई फॉर द लीगल फील्ड इवन इफ यू आर इन योर ट्वेंटीज फोर्टीज और फिफ्टीज आप ट्राई कर सकते हो डोंट वरी ऑल गाइज नाउ नेक्स्ट वन चेंज ऑफ कॉलेज मोस्ट आस्क क्वेश्चन बाई द स्टूडेंट्स क्योंकि अपनी डिजायर कॉलेज नहीं मिली है ड्यूरिंग कैप अराउंड वन टू थ्री एंड सो ऑन सो आपको सिर्फ एक चीज देखनी है आपने किस कॉलेज के लिए ट्राई किया था लाइक इफ यू गॉट गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेटली आप ट्राई नहीं करने वाले हो राइट बट इफ यू गॉट अनएडेड कॉलेज राइट अगर आपको कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिला है देन उस प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपको अगर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाना है तो नहीं जा सकते हो लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना है तो आप जा सकते हो अब यहां अनएडेड इंस्टीट्यूट से आप जा सकते हो लाइक लेकिन कब जा सकते हो गाइज फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आफ्टर थर्ड ईयर और आफ्टर फोर्थ ईयर आप आफ्टर फर्स्ट ईयर भी जा सकते हो लेकिन देर इज कंडीशन सेम अकेडमिक ईयर में आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता लाइक इफ यू आर पर फर्स्ट ईयर फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट ओके और आपको जाना है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में और यहाँ से फर्स्ट ईयर परशू करना है यहाँ भी फर्स्ट ईयर में हो आप नहीं जा सकते आप आफ्टर फर्स्ट ईयर यहाँ जा सकते हो लेकिन कब जब आपका फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम पूरी की पूरी तरह क्लियर है यहाँ आपने पास किया होना चाहिए ठीक है सेकेंड ईयर आफ्टर जाना है तो सेकेंड ईयर भी आपने पास किया होना चाहिए थर्ड ईयर आफ्टर देन थर्ड ईयर कंप्लीटली पास होना चाहिए एंड अगर आप फिफ्थ ईयर के लिए ट्राई कर रहे हो देन फोर्थ ईयर आपका क्लियर होना चाहिए राइट right? सो ड ईयर के लिए फर्स्ट ईयर शुड पास थर्ड ईयर के लिए सेकेंड ईयर शुड पास फोर्थ ईयर के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर शुड बी पास नो ओके और कोई सब्जेक्ट में फेल नहीं नो ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज हाउ एवर गवर्नमेंट कॉलेज थ्रू और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी मैनेज इंस्टीट्यूशन यहां से आप अनएडेड कॉलेज की तरफ जा सकते हो राइट नाउ नो ट्रांसफर दस इंस्टीट्यूट अगर कोई इंस्टीट्यूट ऑटोनोम है तो वहां ट्रांसफर आपका नहीं होने वाला है नेक्स्ट वन सुपर नीसीड अगर कैप राउंड में या फिर आपको जब एडमिशन मिला है अंडर द सुपर न्यूमेरे रिसीड्स ओके देन आपका ट्रांसफर नहीं होने वाला सो दीज ऑल आर दंडीशन फर्स्ट सेम अकेडमिक ईयर सफर आफ्टर फर्स्ट ईयर जाना है देन फर्स्ट ईयर शुड बी क्लियर ओके पास्ट होना चाहिए आपको थर्ड ईयर के लिए जाना है देन सेकेंड ईयर शुड बी पास्ड ओके अगर आपको आफ्टर फोर्थ ईयर जाना है या फिर फोर्थ ईयर के लिए जाना है दैन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर शुड बी पास्ड ओके कंडीशन सेम है नाउ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आप अनएडेड में जा सकते हो देट मीन्स प्राइवेट लेकिन प्राइवेट से आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते नो ट्रांसफर टू द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एंड सुपरिमरी सीट जिसको मिली है वो एलिजिबल नहीं है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर्स मोड रेगुलर कोर्स है या फिर डिस्टेंस मोड में भी आप कर सकते हो गाइज दिस इज एज पर दी टी सेल ये क्लियर है चाहे आप थ्री ईयर्स का प्रोग्राम परसू करना चाहते हो किसी भी एक्स वाई जेड कॉलेज से या फिर फाइव ईयर्स का प्रोग्राम दैन इट शुड बी इन रेगुलर मोड और काफी सारे कॉलेजेस हैं जो कि सेवेंटी फाइव परसेंट अटेंडेंस को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है राइट right? सो एज पर दिस सीई टी यह एक रेगुलर कोर्स है नाउ कॉलेज की टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है कुछ कॉलेजेस के जो सेशंस है वो शायद कम हो सकते हैं राइट लेकिन कोर्स कंप्लीटली रेगुलर मोड में है नाउ काफी सारे स्टूडेंट कहेंगे यार डिस्टेंस कोर्स होता तो अच्छा होता क्योंकि मैं काफी सारे स्किल डेवलपिंग कोर्सेस कर रहा हूं लाइक like, शायद वो सी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या फिर सीए के लिए कर रहा है एड ऑन तो होने ही वाले हैं प्लेसमेंट क्राइटेरिया में कुछ हेल्प हो सकती है लेकिन क्या मैं डिस्टेंस मोड में कर सकता हूं देन आंसर इज बिग नो नो गाइस ये एक रेगुलर कोर्स है नाउ इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट कि उसकी टाइमिंग क्या है वो क्या टाइम स्लॉट्स में ये कोर्स प्रोवाइड करता है एंड वो पर्टिकुलर टाइम आपके लिए कन्वीनियंट है या फिर नहीं राइट सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटर्नशिप वाई इंटर्नशिप इज नीडेड गाइज इंटर्नशिप काफी जरूरी है बिकॉज फाइंड योर गोल आपके गोल क्या है यहाँ आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है राइट right? एडवाइस मिलने वाली है आपको अपॉर्चुनिटीज के डोर ओपन होने वाले हैं कम्पलीट नॉलेज यू विल गेन आपकी स्किल्स जनरेट होने वाली है ट्रेनिंग मिलने वाला है प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो मिनटर्स के अंडर रहोगे दैन कंप्लीटली लास्ट पॉइंट जो है सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलने वाला है सो दैट्स वाई इंटर्नशिप इज नेसरी अब चाहे आप सी एस कर रहे हो या सी ए कर रहे हो नहीं गाइस वो बहाना नहीं है आप चाहे जितने भी कोर्सेस कर रहे हो लेकिन इंटर्नशिप जो कि थर्ड ईयर प्रोग्राम को लेकर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती है ऑलमोस्ट सो so, वहां से आपको इंटर्नशिप करनी है एंड यस गाइस, टॉप कॉलेज क्यों टारगेट करनी है बिकॉज़ टॉप का सबसे फर्स्ट एडवांटेज होता है दी लोकेशन, यस गाइज लोकेशन, क्योंकि वो कैंपस कहां लोकेटेड है राइट right? वहां फैकल्टी कैसी है फैसिलिटीज कितनी सारी है प्लेसमेंट क्राइटेरिया क्या कहते हैं लोकेशन एज आई सेट क्योंकि टॉप टायर सिटी में है दैन इफ यू टॉक अबाउट द जी एल सी मुंबई दैन इट इज सिचुएटेड नियर बाय द हाई कोर्ट सो ऑब्वियसली जो भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी फायदा होता है गाइज इंटर्नशिप वो जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं एंड द हाई कोर्ट का जो इन्वायरमेंट है यस yes गाइज वो अपने आप को पाँच साल आगे किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी में देखना चाहते हैं वो एज्यूम कर सकते हैं एंड दैट्स वाई लोकेशन काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है ड्यूरिंग यूर स्टडी सो गाइज अगर टॉप कॉलेजेस टारगेट करने हैं तो वो तो टॉप सिटीज़ में ही है सो टारगेट ऑल दीज टॉप कॉलेजेस एंड वाई फी स्ट्रक्चर चाहे थोड़ी ज़्यादा हो या कम हो इज डोंट वरी अबाउट दैट लेकिन प्लेसमेंट जहाँ आपको सबसे बेस्ट आर मिलती है आपको टारगेट करने राइट बिकॉज रिक्रूटर्स जहाँ आप काम कर सकते हो टॉप लीगल फॉर्म्स वहाँ आते हैं ओल्डेस्ट लीगल फॉर्म आते हैं आप वहाँ ट्राई कर सकते हो एलुमनाई कॉन्टैक्ट क्या है उस पर्टिकुलर कॉलेज के राइट right? एंड इवेंट्स क्या क्या ऑर्गेनाइज करता है कॉलेज एंड आपको कितना एक्सपोजर मिलता है सो दीज ऑल आर द पॉइंटर्स व्हाई यू शुड टारगेट द टॉप कॉलेजेस एंड प्रिपरेशन के लिए टाइम कितना लगने वाला है ये तो सबका फेवरेट क्वेश्चन है मुझे कितना टाइम चाहिए कंप्लीट प्लान अबाउट द प्रिपरेशन कितना टाइम मुझे लग सकता है सो गाइज इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू आपका क्वांट कैसा है ओके आइदर इट्स स्ट्रॉन्ग जोन और वीक ओके क्वांट में कैसे हो अप टू ट्वेल्थ लेवल और ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन क्योंकि जो आपका क्वांट है टेन प्लस टू राइट right? यही है अब नाउ ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है इफ़ यू चूज द बी ए अब आपने हिस्ट्री जोग्राफी ऐसे कुछ प्रोग्राम्स चूज़ किए हैं राइट अब मैथ्स से कुछ लेना देना ही नहीं है देन नहीं बी कॉम अगर आपने चूज़ किया है तो आपका मैथ्स हो गया अकाउंट रिलेटेड राइट इंजीनियरिंग अगर आपने चूज की है तो आपका मैथ्स हो गया एनालिटिकल एंड स्टेटिस्टिक्स रिलेटेड राइट सो मैथ्स का यहाँ तो डिविजन कम्पलीटली हो चुका है सो so, यहाँ आपके पास वो मैथ्स नहीं बचा अभी क्योंकि आपने टेन प्लस टू में वो सीखा था राइट right? अप्लाई भी नहीं किया टेन प्लस टू के मैथ्स को कुछ एडवांस लेवल में आपको पूछ सकते हैं ड्यूरिंग दीई टी सो क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड यहां कितना फोकस है आप लॉजिकल रीजनिंग अबाउट द कॉमन सेंस एंड अबाउट द शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करोगे देन इंग्लिश जर्नल अवेयरनेस एंड द लीगल एप्टीट्यूड इट इज कंप्लीटली न्यू फॉर एवरी वन चाहे उसका ग्रेजुएशन हुआ है और ही इज इन लेवेंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड ओके okay, चाहे उसने ट्वेल्थ कर दिया या फिर वो ग्रेजुएशन में है कुछ भी हो गाइज लेकिन लीगल एप्टीट्यूड दिस इज कम्पली न्यू फॉर एवरी वन सो दैट्स वाई आई दो यू आर चूजिंग द थ्री मंथ पीरियड और द दिक्स मंथ और द दन ईयर प्रिपरेशन गाइज इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू पहले आपको जज करना है गो थ्रू दिस सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कुछ नहीं पता देन गाइज डोंट वरी आस्ट टू आवर एक्सपर्ट्स यू विल गेट अ फ्री काउंसलिंग सेशन फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स At our respective centers, and even you can call on our board line number and you can get live interaction too. So, guys, that's why I'm saying if you need time for preparation, then first of all, judge yourself. Okay, let's see the syllabus, ask our experts, and find out the perfect solution. So let's start the preparation. We have started classroom coaching at Mumbai. Call on respective numbers and book your seat at Borivali Vasai and the other center. Pan India students, you can interact live with us for all exam updates and notifications. Follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. Guys, if you like the video, hit the like button and do share to all of your friends. And if you have any doubts, then ask me in the below comment section. We'll try to answer all of your queries. So that's all, guys. All the best for your career. See you in the next video.